ध्रुव, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। नहीं माता, पूर्ण संवाद नहीं, बस थोड़ा सा। जब हमने उन कपि श्रेष्ठ को यहाँ देखा, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आपको अपनी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम दोनों पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। पुत्र, अयोध्या के राज सरोवर से पुष्प लाना तो विकट कार्य है, तुम दोनों ने स्वयं को ऐसे महासंकट में क्यों डाला? वहाँ के रक्षक तुम्हें देख लेते और रोक देते तो? माता, हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा, वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम दोनों को रोक सके। माता, इस प्रकार तो प्रतिदिन आपकी पूजा के लिए हम वहाँ से पुष्प ला सकते हैं। लीजिए माता। स्वामी के सरोवर से आए इन कमल पुष्पों को देखकर मुझे उनके कमल नयन का स्मरण हो रहा है। माता, आप किस विचार में खो गई? पूजा आरंभ कीजिए। हे माँ ललिता, मैं पूजा में वो पुष्प भेंट कर रही हूँ जो मेरे पुत्र मेरे स्वामी के सरोवर से लेकर आए हैं। इस प्रकार मैं अकेली नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार ही आपकी पूजा में सम्मिलित है। ये परिवार पुनः एक हो जाए, मुझे और मेरे पुत्र को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। यहां पर स्थित रहूंगा मैं, जिससे जब भी लवकुश इस सरोवर के निकट आएंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए? लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं? कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला? ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है, अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं, अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था, उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्राता लव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो, मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूँ मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ, मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना, वो बालक आयु में अवश्य कम है किंतु मुख्य रक्षक
बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र है। ये बाण अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष अर्थात वहां छिपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों, उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यही छिपकर कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूँ और ना ही लवकुश के। अनुपम है ये दोनों और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल, किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहां तक किसी को नहीं पहुंचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे, प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया क्या ध्रुमास्त्र है, यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है।
मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहां से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहां से आया था। कहां छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहां से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहां है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहां नहीं है तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश, मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है, मैं किसकी सहायता करूं, लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए, इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुछ समय के लिए सुरक्षित है, मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूँ। अब मुझसे बचकर कहाँ भागोगे बालक? ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश, अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना ना हो जाए, लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है। हाँ,
यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक किंतु इतनी दृढ़ता, अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है, अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बार तो प्रभावहीन हो गया, मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं, मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी। लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे, मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूं। सखा, सरोवर से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहाँ से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यही कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों।
प्रभु उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है। किंतु ऐसा अशुभ मिलन पिता और पुत्र युद्ध रथ हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। श्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है जिससे हमारी गति स्वतः पड़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए अपालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई है। के प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। अयोध्या के राज सरोवर और उनके रक्षकों की ये दुर्गति उन बालकों ने की। भैया अवश्य ही कोई उनकी सहायता कर रहा है। लक्ष्मण भैया, ये तो भाग गए, आज भी नहीं पकड़े जा सके क्या? प्रतीत होता है कोई विलक्षण बालक हैं जिन्होंने आप सबकी ऐसी अवस्था कर दी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। उन बालकों का इतना दुस्साहस। हनुमान, यथा शीघ्र सभी गुरुजनों, मंत्रियों एवं अन्य सभासदों को राजसभा में आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। कैसा विचार उत्पन्न हुआ है प्रभु के हृदय में, कहीं वो राजसभा इन बालकों के विरुद्ध कुछ करने के लिए तो नहीं बुला रहे? दो बार तो लवकुश का युद्ध उनके ही परिवार से होते होते रह गया, अब ज्ञात नहीं आगे क्या होगा। प्रभु की भेंट तो आ गई है माता, अब तो यही मनोकामना है कि शीघ्र वो भी आए और हमें अपने साथ ले जाए।
लवकुश के धनुष ये तो टूट चुके हैं। कहीं कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा मेरे पुत्र को? माता आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी एकाग्रता भंग हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ। हम पे कोई संकट नहीं आया था। हाँ, हम पर संकट आ भी कैसे सकता है। माँ आप अपना संपूर्ण ध्यान पूजा में लगाइए, अन्य सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। अब हम पुष्प लेने ऐसे जाएंगे कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि लव और कुश। हम पे विश्वास तो कीजिए माता। सैनिकों कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। इन दो बालकों के शब्द कल प्रजा के शब्द बनकर पूरी अयोध्या में गूंज सकते हैं। महाराज श्री राम के लिए प्रजा के मन में विश्वास का हास हो, उनके प्रभुत्व को ठेस पहुंचे, उसके पूर्व भी हमें कुछ करना होगा। पुत्र राम आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अश्वमेध यज्ञ? किंतु प्रभु माता सीता का त्याग कर चुके हैं, फिर पत्नी की उपस्थिति के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है ऋषिवर? उसके लिए तो विवाहित युगल को साथ में यज्ञ करना अनिवार्य होता है। उस अवस्था में प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये कैसा सुझाव दे दिया इन्होंने, प्रभु माता के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? और फिर उनके तो दो पुत्र भी हैं। यदि माता को ये ज्ञात हो गया तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। वचन लिया है मैंने संपूर्ण जीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहने का वचन, फिर आप मुझे पुनर्विवाह का सुझाव कैसे दे सकते हैं? राजधर्म के निर्वाह हेतु मैं अपनी पत्नी से विलग अवश्य हुआ, किंतु मैं अपना वचन कदापि नहीं तोड़ूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी महाराज? पुनः अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा प्रभु, अयोध्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी महाराज। आपकी महिमा खंडित होगी महाराज। इस प्रकार तो प्रभु पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो वो अपने आप को असफल मानेंगे। ऋषिवर कोई तो उपाय होगा, शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसी विधि अवश्य होगी जिससे मेरे प्रभु का अश्वमेध यज्ञ दूसरा विवाह किए बिना संभव हो सके। ऋषिवर वो उपाय तो आप ही सुझा सकते हैं। हमें और संपूर्ण संसार को यह ज्ञात है कि आपने एक पत्नी वचन लिया है और आपका यह वचन भंग हो ये कोई नहीं चाहता। हनुमान के प्रेरित करने पर माता जानकी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने का शास्त्र सम्मत उपाय मुझे सूझा है।
पत्नी की अनुपस्थिति में राजा उनकी स्वर्ण प्रतिमा को साथ में रखकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान है। ये अच्छा हुआ, इस प्रकार तो प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। गुरुदेव, ये तो अति उत्तम उपाय है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। गुरुवर, आपके इस समाधान से मैं असत्य वचन कहने के दोष से रक्षित हुआ। अब राज धर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैं अपनी सीता को दिए हुए वचन पर भी अडिग रह सकूंगा। बुद्धि मताम वरिष्ठम। हनुमान, तुम सूर्य देव के शिष्य हो, गुणी, ज्ञानी और कलाओं में पारंगत होने के कारण त्रिलोकों में तुम्हारी ख्याति गूंजती है। अब तुम ही मुझ पर एक और उपकार करो, अपनी मूर्ति कला से मेरी सीता की सजीव स्वर्ण प्रतिमा के रूप में ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास करवा दो। प्रभु, आपने मुझे इतने बड़े सौभाग्य का पात्र बना दिया है। माता की प्रतिमा गढ़ने से अधिक प्रसन्नता और गर्व की बात इस भक्त और पुत्र के लिए और क्या हो सकती है। हनुमान जी जैसे सर्वोत्तम कलाकार यदि भाभी माँ की मूर्ति का निर्माण करेंगे तो निस्संदेह वो मूर्ति भी जीवंत हो उठेगी। प्रथम दरस स्मृता अशोक वाटिका माता सीता। सीता मूरत कपि जो बनाए ममता मई माता की सहाय। पूजत जनक सुता रघुराई छवि सोई गढ़ते कपिराई। सियाराम सियाराम जय हनुमान। समय शनह शनह बीती जाए कपि स्वर्णिम जानकी बनाए। आंजनेय प्रतिकाज में दक्षा देखी सब जग आज प्रत्यक्षा। राम सियाराम सियाराम जय हनुमान। राम सियाराम सियाराम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। यहाँ प्रवेश करते ही जैसे एक सुखद आभास ने मेरे तृप्त हृदय को शीतल कर दिया। सीते, प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष आ गई मेरी सीता। प्रभु, क्या मेरे द्वारा बनाई गई माता की प्रतिमा आपकी कल्पना के अनुरूप है? प्रभु बताइए ना।
इस कार्य में मुझसे कोई कमी या फिर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? हनुमान, माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु तुमने पुत्र होकर आज माता को जन्म दिया है। तुम्हारे कार्य में कोई कमी नहीं हनुमान, अपितु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुमने मुझे मेरी सीता से मिला दिया। प्रभु, ये मिलन तो अभी अधूरा है। मुझे विश्वास है माता की पूजा संपन्न होते ही आपका उनसे मिलना वास्तविकता में पूर्ण रूप से होगा। माता ललिता, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा संपन्न की है मैंने। मुझ पर कृपा कीजिए माता, मुझे और मेरे पुत्रों को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम से भेंट के सुख का वरदान दीजिए। मेरी मनोकामना अब यही है कि वो समय अब शीघ्र ही आए। हनुमान, समय आ गया है अगले अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ का। सर्वत्र घोषणा कर दो हनुमान, और सभी मित्र राजाओं, विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषियों को निमंत्रण देने की व्यवस्था कर। प्रणाम ऋषिवर, मैं अयोध्या से आपके लिए प्रभु श्री राम का निमंत्रण लेके आया हूँ। माता, तो क्या आपने मेरी विनती सुन ली? क्या ये आपका ही चमत्कार है कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम ने हम सभी को बुलावा भेजा है? प्रभु श्री राम का निमंत्रण? हाँ ऋषिवर, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण। प्रणाम। विश्वास नहीं होता। माता, आप ही बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सत्य था? किंतु ये कैसे संभव है? पत्नी की उपस्थिति के बिना राजा का अश्वमेध यज्ञ करना तो वर्जित है। मैं वहां नहीं हूँ तो मेरे स्वामी श्री राम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? ऐसी निष्ठुर कैसे हो सकती है आप माता? अपनी भक्ति को आशा की किरण दिखाकर निराशा के अनंत सागर में कैसे धकेल दिया आपने? प्रभु श्री राम से मिलन के लिए, मेरे परिवार की पूर्णता के लिए मैंने आपका व्रत किया था, परंतु आज तो वो मेरे बिना ही यज्ञ कर रहे हैं। कहीं उन्होंने? नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी श्री राम कदापि दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जो भी है, मैं अपने नेत्रों से देखना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माता, सहायता कीजिए। माया वहां जाकर मेरे स्वामी से पूछने में मेरी सहायता कीजिए कि वो मेरे बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं? राज धर्म का निर्वहन अनिवार्य है, अन्यथा तुम्हारे बिना मैं अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं करता। कितना अच्छा होता यदि तुम्हारी प्रतिमा के स्थान पर तुम स्वयं मेरे साथ होती। मेरी प्रबल इच्छा है प्रिय कि अब हम इस विरह की पीड़ा को सहने के लिए विवश ना हो और शीघ्र हमारा पुनर्मिलन हो। मुझे ज्ञात था आप मेरी उपस्थिति के बिना ये यज्ञ कदापि नहीं करेंगे। मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रतिमा मेरे स्थान पर है। सीते, सीते,
कोई सीता नहीं, उसका आभास मात्र है। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, वो तो मुझे पुनः अपनाने में इच्छुक है। माता, कृपा कीजिए मुझ पर, मेरे पुत्र, मेरे लवकुश को मेरे स्वामी से मिलाने का सहयोग उत्पन्न कर दीजिए। प्रतीत होता है इस यज्ञ के संपन्न होने से ऐसा शुभ सहयोग उत्पन्न होगा जिससे श्री राम और देवी सीता का मिलन संभव हो जाएगा। ऋषिवर, मेरे हृदय में तो कब से यही इच्छा है। इस संयोग को संभव करने के लिए मैं स्वयं यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कही गुरु यज्ञ बने संयोगा, राम जान की दूर वियोगा। जे सुन अति उत्सुक कपिराई, हर्षित यज्ञ व्यवस्था कराई। सामग्री सब माला प्रसादा, वस्तु जुटाए सकल हनुमाना। पूर्व यज्ञ हनुमत स्मृता, भावुक उर चिंतन मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इदम् अग्नये स्वाहा। पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं।
आयुष्मान भव। ताचरी, तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। यश पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। गरिमा संग प्रस्थान मान पाया प्रतिस्थान राम राज दिखे सब ओरा अवध ध्वजा लहरे सब छोरा नगर नगर मंदिर रघुराई हर्षित मन देखी कपिराई पूजत अश्व को नृप नर नारी दीप प्रति पथ पथ को निखारी जय श्री राम। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? यह कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? यह कैसे संभव है? तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी, इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है।
आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो। इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है? पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और यह पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी। पुष्कल, आगे मत जाओ। पुष्कल रुक जाओ, रुक जाओ। पुष्कल, पुष्कल आगे मत जाओ। तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझमें भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली किंतु स्वयं संकट में आ गए। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। हनुमान जी, ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। हनुमान है वो, उनके तो रोम रोम में धर्म और भक्ति का तेज प्रवाहित है। उन्हें कोई अनिष्टकारी काली माया ना तो प्रभावित कर सकती है और ना ही बंधक बना सकती है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहां सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकती। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया, और समीप मत आइए। आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है।
यहां तो सब कुछ जहां था वही जड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये। ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में। कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। क्या हनुमान अकेले संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कर के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे? किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे भीतर समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है ये सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुप कर वार कर रहे हो? साहस है तुम्हें तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। प्रतीत होता है कि तुम्हें भय लग रहा है मेरे सामने आने में, इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सब को स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मुक्त हो गया मेरे प्रभु के नाम से। ये तो बहुत ही सहज उपाय है। जय श्री राम।
धन्यवाद हनुमान जी। जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, आपको भी सामान्य अवस्था में लाता हूं अभी। जय श्री राम। क्या हो रहा है? ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है। मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए। धन्यवाद हनुमान जी। धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। तो पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं? कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तुम कितना भी प्रयास कर लो वानर, ये बार बार स्तंभित होते रहेंगे। तुम इन्हें स्तंभन से नहीं रोक सकते। जो एक बार मेरे मायावी धुम्र में फंस जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। वानर, तुम्हें भी मेरे स्तंभन में बंदी बनना पड़ेगा। मुझे बंदी बनाना इतना सहज नहीं है मायावी। अब ये बताओ, कौन हो तुम और क्यों तुमने सबको स्तंभित किया है? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो, वायु को रोक दूं, जल को स्तंभित कर दूं, जलचर थलचर नभचर सभी मेरे आगे स्तंभित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस स्तंभाक्ष हूं मैं। तुम भले ही मेरी मायावी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहे, किंतु मैं भी तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मेरा प्रहार तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। Ah!
प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस। मैं सबको मुक्त करा लूंगा और तुमने स्वयं को भी दिखा दिया है मुझे, और अब तुम भी नहीं बच पाओगे मुझसे। वानर, तूने मेरा भी वास्तविक रूप देखा ही कहाँ है। तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम। जय श्री राम। अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। अब संभालो मेरा मुष्टिक प्रहार। अर्थात तुम्हारी मृत्यु ही इन सब की मुक्ति का उपाय है ब्रह्म राक्षस। वानर, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो भूल वश ही सही, तुमने अपनी दुर्बलता, अपने पतन का उपाय बता ही दिया ब्रह्म राक्षस। अब देखता हूं तुम कब तक मुझसे दूर रहकर मुझ पर प्रहार कर पाते हो। ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। ऐसा क्या है इस वानर में? मेरी शक्तियां इसे रोकने में असमर्थ क्यों हो रही हैं? अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे वानर।
छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, दुष्ट वानर, छोड़ दो मुझे। ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तुम मुझसे। पीड़ा हो रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे पीड़ा हो रही है, छोड़ दो। बहुत पीड़ा हो रही है वानर। दूसरों को पीड़ा देकर तो बड़े प्रसन्न होते हो तुम। मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दूंगा, किंतु उसके पूर्व तुम सबको मुक्त करो और पुनः किसी को ना सताने का तुम मुझे वचन दो। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब, बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था, मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था। स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब ये ज्ञात हुआ, उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अभी तो लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए, उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्त ऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी, अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं, अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ही हूं अपने प्रभु का भक्त हनुमान। हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए आप मेरी काली परछाई के प्रभाव से मुक्त रहे हनुमान। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान,
मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। सियाराम सियाराम जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रज्वलिता, देखी रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सब हूँ दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे श्राप मुक्त किया आपने, मेरा आशीर्वाद है आपको। जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम। मेरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख भजन राम। अंत काल रघुवरपुर जाए, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हनुमान जी, आपने मुझे एवं मेरे प्रभाव से स्तंभित हुए यहाँ के सभी चर अचर प्राणियों को मुक्ति तो दिला दी, किंतु इनके साथ वो असुरी शक्तियां भी मुक्त हो गई जो स्तंभित हो गई थी। अब उन्हें एवं उन बुरी शक्तियों को जो मेरे भय से कहीं दुखी पड़ी थी, उन सभी को उपद्रव करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आगे की यात्रा में सावधान रहिए प्रभु, आपका कल्याण।
हनुमान जी, अब आशा है हमारी दिग्विजय यात्रा में कोई अन्य बाधाएं ना आए। कुमार पुष्कल, कोई भी विजय, कोई भी सफलता बिना बाधा के प्राप्त नहीं होती। बाधाएं ही विजेता को जन्म देती हैं, और वही विजेता दिग्विजय यात्रा पूर्ण करता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहा, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था, शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए, मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए, बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राही मां, त्राही मां, रक्षा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुष्कर, रक्षा कीजिए, तुम अश्विन की सुरक्षा संभालो, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा का कर, रक्षा करो, कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, त्राहिमाम, बचाइए, रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है, रक्षा करो, हम करेंगे आपकी रक्षा, रक्षा करो, रक्षा कीजिए, हमें बताइए, रक्षा कीजिए, किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है, आपकी रक्षा हम सब करेंगे, विश्वास कीजिए हम पर, मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है, आपकी रक्षा हम सब करेंगे, विश्वास कीजिए हम पर, मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। आप सब लोग मुझे बताइए क्या हुआ है आप सबके साथ? हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त, संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ, मैं हनुमान ही हूँ। बताइए क्यों इतने भयभीत हैं आप सब? इस भय का कारण है महादानव त्रिशूल रोग। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोग, उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है, यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम, और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियसी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोम के स्थान पर त्रिशूल उगा है। ओम नमः शिवाय, जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल रोम, इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है, कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने, किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो।
यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा, मुझे रोकना होगा इस दानव को। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ए संकट मोचन महाबली हनुमान, आप ही इस महादानव के आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं हमें। प्रभु श्री राम के प्रताप से उस दुष्ट का संहार अवश्य होगा। बस आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि वो राक्षस कहां मिलेगा। वो विषम पर्वत की कंदराओं में रहता है, यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस करके वही विश्राम करता है वो। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। शत्रुघ्न भैया, वो मैं। शीघ्र जाइए, वो दानव भैया के अश्वमेध यज्ञ में भी बाधक बन सकता है। आप जाइए और उसके कुकर्मों का दंड दीजिए उसे। मैं और पुष्कल इस दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। पुष्कल, एक दानव ऋषि मुनियों को सता रहा था, हनुमान जी गए हैं उसको दंडित करने। आओ हम अपनी ये दिग्विजय यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां दो वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। लव मात्र 3 बाण। बहुत अच्छे लव, अब मेरा कौशल देखो। ये लो। किंतु स्मरण रहे, पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा, इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा। जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो, मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी, वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं, उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं, रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है, धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है, मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा।
जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वार कुश, किंतु मात्र 3 बाण। अश्वि तो विचलित होके भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व, बचो कुश। इतना सुंदर अश्व, इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि ये साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई। काकाश्री, वो देखिए बाण। वही हमारा अश्व संकट में ना हो। हमें अश्व का शीघ्र ही ढूंढना होगा। सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। कालजीत जी, आप सीधे जाकर देखिए, मैं दाएं जाता हूं, और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो। और पुष्कर, तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो। जो आ गया काकाश्री। दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए। भजन पूजन आदि धार्मिक कार्यों का विरोधी है ये। इस दानव को बिल से बाहर निकालने के लिए यही उक्ति सर्वोत्तम होगी। सीता राम, सीता राम राम। श्री राम सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। बंद कर
सीधा चल। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। यदि तुमने भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। ताराम सीताराम, तुम ऐसे नहीं मानोगे ढीठ वानर। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ मेरा पाओ। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्धृत करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पाँव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस दृश्यता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम। तुम स्वयं ही छुड़ा लो। दूर्ध वानर, लो भुगत अपनी दृश्यता का परिणाम वानर। इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास, मूर्ख वानर, तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने। अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। अब अगले ही क्षण में मैं इस अश्व से आगे निकल जाऊंगा। मैं भी अब वश में करना है इसे। अश्व के कारण मेरा ध्यान लक्ष्य से भटक गया था, फिर भी इसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। देखो ना, कितने सुंदर आभूषण हैं इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है जो भटक कर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है।
जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा माता सीता का त्याग? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्यम हो रही है। कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही है जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश, किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालको, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। पूर्व काल में भी तुम दोनों ने हमारी सेना को रोकने की भूल की थी। अब तुम और भी बड़ी भूल कर रहे हो बालकों। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं। वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें। हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। प्रतीत होता है ये दोनों बालक वही हैं जिन्होंने कमल उद्यान से पुष्प चुराने का दुस्साहस किया था। हनुमान को ज्ञात होगा तो बहुत दुख होगा। परंतु और सब कहाँ है? और हनुमान को तो इस वक्त अश्व के साथ होना चाहिए। कहाँ है हनुमान? अब देखो वानर, कैसे मेरे त्रिशूल तुम्हारी देह को टुकड़ों में विभक्त करते हैं। जय श्री राम। ये क्या? ये वानर सहस्त्र त्रिशूलों के वार से कैसे बच गया? इस वानर ने मेरे त्रिशूलों को मुझ पर ही वार करने के लिए बाध्य कर दिया।
कोई भी वरदान तुम जैसे अधर्मियों की रक्षा नहीं कर सकते त्रिशूल रोम। ये क्या अश्व बंधन में प्रतीत होता है? अश्व संकट में है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। हाँ आइए ले लीजिए अश्व को। ये क्या किया तुम दोनों ने? अब भुगतो परिणाम। अवश्य ही ये इन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं है कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। मुझे शीघ्र ही अश्व की सुरक्षा के लिए पहुंचना होगा। चलो कुश। आप मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी जो दूसरों को आहत दे वो मुझे आहत नहीं कर सकता। ये दानव इतने भयानक विस्फोट के पश्चात भी जीवित बच गया? वानर इतनी सहज नहीं है त्रिशूल रोम की मृत्यु। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। साहस धैर्य और पराक्रम किसी की आयु देखकर नहीं अपितु व्यक्ति के गुण देखकर आते हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।